हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे गुप्त वंश से संबंधित क्वेश्चंस, जो कि अपने एनटीपीसी, आरआरबी, ग्रुप डी, आरएसपी, एसआई और पटवार और रीट से लिए गए क्वेश्चंस है, या जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस लिए दोस्तों। तो हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, इस तरह से हम आज गुप्त वंश से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं उन सबको सम्मिलित करने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन लेके चल रहे, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था। गुप्त वंश किसके सामंत थे? गुप्त वंश कुषाणों के सामंत थे। सामंत किसके थे? कुषाणों के। गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? इनके काल में कला एवं स्थापत्य में काफी वृद्धि हुई, इसलिए गुप्त वंश कला एवं स्थापत्य हेतु फेमस था दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे, गुप्त राजवंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज या महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी? तो वो धारण करने वाले कौन थे? चंद्रगुप्त फर्स्ट। गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा क्या थी? गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा संस्कृत भाषा थी दोस्तों। तो इस तरह से बात कर सकते हैं, गुप्त शासक की क्या भाषा थी? और मौर्य शासक की कौन सी थी? मौर्य शासक की प्राकृत भाषा थी। तो ये इनकी क्या है? गुप्त संस्कृत भाषा है दोस्तों। नेक्स्ट बात करें, गुप्त शासन के दौरान ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट एक महान खगोलज्ञ विज्ञानी और गणितज्ञ था। इतिहासकार वी ए स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहा था? तो वी ए स्मिथ ने समुद्रगुप्त को कहा था दोस्तों। कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के। विक्रमादित्य के दोस्तों नौ रत्न थे, नौ रत्नों में से कालिदास भी एक थे। तो जो अकबर से पहले जिसके नौ रत्न हुए हैं वो कौन है? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के दरबार में नौ रत्न हुआ करते थे दोस्तों, तो उसमें से एक कालिदास भी थे, धन्वंतरी भी थे। इस तरह से इनके टोटल नौ रत्न थे, उनके बारे में भी हम बात करेंगे दोस्तों। अजंता कलाकृति किससे संबंधित है? अजंता कलाकृति अजंता महाराष्ट्र में है, जो कि गुप्त काल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 लेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? गुप्त वंश का वह कौन सा राजा था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? स्कंदगुप्त ने हुन को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। उत्तर गुप्त काल में विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था, वह नालंदा नालंदा विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी, जो कि उत्तर काल में फेमस हुआ था। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? एरन अभिलेख का शासक संबंध भानुगुप्त से है। फायान किसके शासनकाल में भारत आया, वह कहाँ का निवासी था? फायान चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के काल में भारत में आया था और ये चाइना का निवासी था दोस्तों। तो फायान किसके काल में आया? विक्रमादित्य। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहलाता है गुप्त काल। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। और कौन से काल से है? ये गुप्त काल से है। और ये कहाँ पे है अजंता? महाराष्ट्र में है दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता है। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया है? कहोम स्तंभ लेख में इसको सक्रोपम कहा गया, और इसी ने है हुनों को भारत पे आक्रमण करने से रोका था। हुन आक्रमण को रोका था दोस्तों। किसने रोका? स्कंदगुप्त ने। क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में बात करेंगे, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? गुप्त काल के समय ही मंदिर निर्माण की कला का निर्माण हुआ था। फाइयान और हेनसांग किन राज्यों को देखा था? फाइयान और हेनसांग ने चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन के राज्यों को देखा था। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 20। इस तरह से बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। मैंने आपको बताया था कि नौ रत्न अकबर से पहले किसके दरबार में हुए थे? तो वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के। तो क्वेश्चन आ ही गया, धन्वंतरी कौन है? धन्वंतरी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजदरबारी या नवरत्न थे, जो कि एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे। धन्वंतरी एक क्या थे? चिकित्सक थे। गुप्तकालीन शासन के स्थापत्य का कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर कहाँ है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर गुप्तकाल का।
सर्वोत्कृष्ट मंदिर है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? इसने जब शकों का उन्मूलन किया था उसके बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य एक ही है दोस्तों। मेहरौली दिल्ली स्थित लोह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? मेहरौली दिल्ली स्तंभ लोह स्तंभ का निर्माण चतुर्थ सदी में हुआ था। ये क्यों फेमस है? इसके ऊपर रस्ट या जंग नहीं लगता दोस्तों। तो इस तरह से चतुर्थ शताब्दी से आज कौन सी चल रही है? 21st सेंचुरी चल रही है। तो 1700 वर्षों से इसके ऊपर लोह स्तंभ के ऊपर जंग नहीं लगा है। तो ये कहाँ पे है? मेहरौली में। गुप्तकाल का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता, गुप्तकाल में विष्णु की पूजा की जाती थी, विष्णु सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के सिक्के जारी किए थे? शकों को पराजित करने के बाद इसने चांदी के सिक्के भी जारी किए थे और विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी दोस्तों। और विक्रमादित्य के दरबार में नौरत्न थे, नौरत्नों में से एक धन्वंतरी भी थे। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है? गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? कला एवं साहित्य में इस काल में कला एवं साहित्य और मंदिर निर्माण की कला भी प्रारंभ हो गई थी, इसलिए यह कला एवं साहित्य में चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण इस काल को क्लासिकल युग भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। और कहाँ का अभिलेख? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किसके द्वारा रचित है? हरिसेन के द्वारा। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त वंश संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में किया था। तो ये थे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 और गुप्त से संबंधित टोटल गुप्त साम्राज्य से संबंधित सारे क्वेश्चंस जो कि इम्पोर्टेंट है और अपने एग्जाम RRB ग्रुप डी NTPC RAS SI पटवार रीट इन सब में आने की संभावना रहती है। और आपका ये प्राचीन भारत का पार्ट था। गुप्त साम्राज्य किसका पार्ट है? प्राचीन भारत का। इतिहास को भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा गया? प्राचीन भारत, मध्यकालीन और आधुनिक। तो ये था प्राचीन भारत से संबंधित। इससे हम और भी क्वेश्चंस लाने की आपके साथ कोशिश करेंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करने की कोशिश करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फ्रेंड्स।